मेरी दीदी को सब लोग तबायफ समझते थे। खानदान के लोग कहते थे कि मेरी दीदी बद किरदार है, जबकि मुझे अपनी बहन बहुत ही मासूम और बेकसूर लगती थी। जब मैं जवान हुई तो मुझे अपनी बहन के घर जाना नहीं दिया जाता था। हम दो बहनें थीं, मेरी बड़ी बहन मुझसे 13 साल बड़ी थी। मैं अपनी दीदी के बहुत सालों बाद पैदा हुई थी। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद मेरे माँ बाप मेरी दीदी से इतनी नफरत करते थे कि दीदी से मुझे मिलने भी नहीं देते थे। एक रात मैं चुपके से उनके घर चली गई। दीदी ने मुझे खीर बनाकर खिलाई तो मैं बेहोश हो गई, और आधी रात को कुछ मर्द, मेरे दीदी का नाम मेघा था, वह हर समय उदास सी रहती थी। मेरी दीदी बहुत ही शरीफ औरत थी, बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रही थी। हालांकि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सो आप करना उन्हें आता ही नहीं था। मेरी दीदी खानदान की किसी पार्टी में चली जाती तो सारे खानदान वाले मुंह छिपाकर एक दूसरे से बात करने लगते थे। हर पार्टी में उनके खिलाफ बातें होती थी। कोई भी दिल से दीदी का सम्मान नहीं करता था। अगर किसी की मौत हो जाती तो दीदी वहां पर मौजूद होती थी। दीदी के अंदर यह बहुत अच्छी आदत थी कि किसी के घर को कोई दुख हो, तकलीफ होती थी तो दीदी वहां जरूर जाती थी। लोग उनसे चाहे कैसा भी बर्ताव करें, लेकिन वह हर किसी को दुख तकलीफ में हमेशा साथ देती थी। गरीब मजबूर लोगों की मदद किया करती थी, लेकिन पता नहीं फिर भी लोग उन्हें बुरी औरत क्यों समझते थे। मेरी दीदी तो बहुत अच्छी थी, लोगों की इतनी मदद करती थी, इसलिए मुझे मेरी दीदी बहुत अच्छी लगती थी। वह हमेशा मुझे अच्छी अच्छी बातें सिखाया करती थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम नेहा था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके साथ मेरी बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसलिए मुझे उनके घर जाना बहुत अच्छा लगता था। मगर मेरी मम्मी मुझे दीदी के घर जाने से रोकती थी। जब मैंने MA किया तो मेरी माँ बहुत खुश हुई, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे नंबर से पास किया था। पास होने की खुशी में पूरे खानदान में मिठाई बाँटने के लिए डिब्बे तैयार करवा रही थी, और पापा उन पर नाम लिख रहे थे, लेकिन उन लोगों में मेरी दीदी का नाम का कोई डिब्बा नहीं बनाया। मैंने कहा, क्या दीदी के घर मिठाई नहीं भेजे जाएंगे? वह तो मोहल्ले में रहती है, बल्कि उनके घर तो हमें खुद मिठाई लेकर जाना चाहिए। मम्मी ने कहा, अरे मैं तो भूल ही गई, चलो एक डिब्बा बना देती हूँ। जब सबको ही मिठाई भेज रहे हैं तो उसको भी भेज देंगे। बहुत ही ठंड शब्द में माँ ने यह बात कही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें कोई खुशी ही नहीं है। दीदी के घर मिठाई भेजने के लिए वह बस मेरी वजह से मजबूरी में दीदी के घर मिठाई भेजने के लिए तैयार हुई थी, और मेरे पापा भी दीदी के नाम से कुछ खास खुश नज़र नहीं आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आता था कि यह लोग उनके साथ इस तरह के रवैया क्यों रखते हैं। मैंने एक डिब्बा उठाया और मैंने कहा कि मैं खुद ही दीदी को मिठाई दे आती हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जिद करके आ गई। मैंने कहा मैं खुद ही जाऊँगी दीदी के घर मिठाई देने में। जिद करने लगे और मेरी जिद के आगे मेरे मम्मी पापा दोनों चुप हो गए, लेकिन मम्मी ने कहा कि दरवाजे से ही मिठाई देकर आ जाना, घर के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं दीदी के घर पहुँची तो वह मुझे बहुत ही प्यार से मिली थी। वह प्यार से मुझे रुचि बुलाती थी, वैसे तो मेरा नाम रुचिता था, कहती थी मेरी शहजादी रुचि आ गई। आज मैं जब से उनके घर पहुंची तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। फिर मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, अरे रुचि बेटा, इतनी छोटे छोटे कपड़े पहन कर क्यों आई हो? अब तुम बड़ी हो गई हो, इसीलिए थोड़े ढंग के कपड़े पहना करो। इस वक्त मैं हाफ ट्राउज़र और ढीली ढाली शर्ट में थी। दीदी को मेरे इस तरह के कपड़े पहनना पसंद नहीं आया तो उन्होंने मुझे टोक दिया। मैं शर्मिंदा हो गई। मैंने कहा, दीदी बस ऐसे ही जल्दी जल्दी में आ गई हूँ। दीदी मुझे समझाने लगी, क्या फुल कपड़े पहना करो, आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है, अब तुम बड़ी हो गई हो, खुद का ख्याल रखा करो। मैं मानती हूँ कि एक गली से दूसरी गली में ही जाना होता है, लेकिन फिर भी तुम थोड़ा ध्यान रखा करो, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं कब क्या घटित हो जाए। दीदी का मुझे इस तरह से समझाना बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने दीदी को बताया कि मैं बहुत ही अच्छे नंबर से पास किया है, अभी मुझे थोड़ी ही देर हुई थी कि पापा का फ़ोन आ गया। दीदी
ने कहा कि रुचि मेरे साथ बैठी है। पापा की आवाज़ फोन से बाहर तक आ रही थी। वह बार बार एक ही बात कहे जा रहे थे कि रुचि को वापस भेज दो, हमें कोई काम है। मैंने कहा कि मैं अभी नहीं जाना है। मैंने दीदी को इशारे से कहा था। दीदी ने पापा को कहा कि बेचारी को चाय तो पीने दो, लेकिन पापा बार बार कह रहे थे चाय बाद में पी लेगी, अभी उसको जल्दी भेज दो। तो मैं हैरान थी कि पापा मुझे इस घर में 5 मिनट भी नहीं रुकने देते हैं। खैर, दीदी ने चाय बना ही ली थी और मेरे सामने चाय रखते हुए बोली, जल्दी से चाय पी लो। लो, पापा तुम्हें बार बार बुला रहे हैं। जब मैं चलने लगी तो दीदी ने मेरे हाथ में 5,000 रुपये रख दिए थे। दीदी ने कहा, यह तुम्हारे पास होने की खुशी में है। जब मैं घर वापस आए तो मम्मी पापा ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। मम्मी गुस्से से बोली कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि दरवाजे से ही वापस आ जाना, चाय पीने के लिए घर के अंदर जाने की क्या ज़रूरत थी। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, वह मेरी दीदी का घर है, कोई गैर का घर नहीं, जो आप इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही हैं। फिर मैं खुश होकर मम्मी के सामने वह दीदी के द्वारा दिए गए 5,000 रुपये रख दिए। मैंने खुश होकर बताया, मम्मी दीदी ने मेरे पास होने की खुशी में दिए हैं। मम्मी ने जल्दी से झपट कर वह पैसे लिए और गुस्से में बोली, क्या ज़रूरत थी तुझे यह पैसा लेने की? यह पैसा मेरे घर में नहीं आना चाहिए और ना ही इन पैसों की कोई चीज़ मेरे घर में आएगी। उन्होंने उसी समय खड़े खड़े नौकरानी को आवाज़ दी और वह पैसे नौकरानी के हाथ में रख दिए। नौकरानी खुशी खुशी वह पैसा लेकर चली गई। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। अब तक मेरे पास होने की खुशी में किसी ने मुझे इतने सारे पैसे नहीं दिए थे। मैं तो खुश हो रही थी, कितने सारे पैसों की खूब सारी शॉपिंग करूंगी, लेकिन मम्मी ने मेरे सारे अरमान ही तोड़ डाले थे। मैंने मम्मी से दुखी होकर कहा, मम्मी दीदी ने मुझे कितने प्यार से यह पैसे दिए थे, आपने सारे के सारे उठाकर नौकरानी को दे दिए। इन पैसों से मैं ढेर सारी शॉपिंग करने वाली थी। मम्मी ने गुस्से से मुझे घूरा और किचन में चली गई, जबकि पापा ने अपनी जेब से 2,000 निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए और कहने लगे, लो शॉपिंग कर लेना। लेकिन कहाँ 5,000 और कहाँ 2,000 में बहुत ज़्यादा अंतर था। मैं उदास हो गई थी। मैंने सोचा कि मुझे मम्मी पापा को बताना ही नहीं चाहिए था, मगर मैं तो इसलिए बता दिया था कि कम से कम दीदी की कुछ मोहब्बत तो मम्मी पापा के दिल में जागेगी, थोड़ी सी इज्जत बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, उल्टे मेरे 5,000 मेरे हाथ से चले गए थे। मेरी मम्मी किचन के कामों में लग गई और पापा अपने काम में पर चले गए। मेरे पापा ने जाते जाते मुझसे कहा था कि बार बार मेघा के घर मत जाना। जब मैं यही बात अपनी मम्मी से पूछी कि आप लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों मुझे दीदी के घर जाने से रोकते हैं, तो मेरी माँ ने कहा कि तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारी दीदी ने क्या किया है। तुम्हें पता है कि वह इतने सारे पैसे कहाँ से लाती है, उसका पति भी जिंदा नहीं है। मैंने कहा, इसमें सोचने वाली क्या बात है, वह सरकारी स्कूल में टीचर थी, उसकी पेंशन आती होगी और फिर उनकी मार्केट में अपनी दुकान है जिनका अच्छा खासा किराया बनता है, वह भी सारा का सारा दीदी के पास ही आता है। अगर उन्होंने मुझे 5,000 दे दिए तो आप इसका क्या मतलब निकाल रहे हैं? मेरी मम्मी कहने लगी, ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है और आगे से कोई ऐसी हरकत मत करना, अपनी बहन के घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने घर आराम से बैठो। अगले दिन मम्मी घर पर नहीं थी, वह बाजार गई हुई थी। जब मेरे घर में दीदी आई, उन्होंने मुझे एक थैला पकड़ा दी। उन्होंने कहा कि मोहल्ले की एक औरत तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी, उसे तीर्थ यात्रा के लिए मैंने ही भेजा था और वहाँ से मेरे लिए वह ढेर सारा सामान लेकर आई थी, जिसमें से कुछ सामान मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। सारा सामान देखकर मैं बहुत खुश हुई थी और अब तो मैंने सोच लिया कि मैं यह चीज़ मम्मी को नहीं दिखाऊंगी। मैंने वह चीज़ छुपा दी। दीदी अभी बैठी हुई थी कि मम्मी आ गई। दीदी ने मम्मी को नमस्ते किया, लेकिन मम्मी कोई ध्यान नहीं दिया और बहुत ही ठंडे शब्दों में पूछा, कैसे आना हुआ? मैंने दीदी को इशारा कर दिया कि आप मम्मी को मत बताना कि आप मेरे लिए कुछ सामान लेकर आए हैं।
दीदी ने भी मेरी बात मान ली और कहने लगी कि बस ऐसे ही रुचि से मिलने चली आई थी। रुचि को एक दिन भी ना देखूं तो उसकी याद आने लगती है। थोड़ी देर तक दीदी बैठी मुझसे बातें करती रही। मम्मी तो दीदी के पास बैठी ही नहीं थी, तुरंत उठकर अपने कमरे में चली गई और बल्कि उल्टा मुझे भी बार बार अंदर से आवाज़ दे रही थी। तंग आकर दीदी भी उठकर चली गई और जब शाम हुई तो फिर से मम्मी ने मेरी क्लास लगा दी। मुझसे पूछा कि सच सच बताओ वो यहाँ क्यों आई थी। पापा ने भी मुझे डांटना शुरू कर दिया और अब मैं और ज़्यादा झूठ नहीं बोल सके। तो फिर मम्मी को मैंने वह दीदी की लाई हुई सारी चीज़ें दिखा दी और कहा कि मुझे लगा आप लोग ये चीज़ भी किसी को दे देंगे, इसलिए मैंने आपसे छुपाया था। मेरी मम्मी ने कहा कि देखा अब उसकी वजह से यह हमसे झूठ बोलने लगी है, कल को धोखा देगी। और परसों घर से अचानक मेरी मम्मी को जुबान रुकी थी, वो यही कहना चाहती थी कि परसों मैं घर से भाग जाऊंगी। अब ये क्या बात हुई, दीदी ने तो मुझे कभी उल्टी सीधी पट्टी नहीं पढ़ाई थी, बल्कि वह हमेशा मुझे बहुत ही अच्छे से रहने को बोलती थी, अच्छे बुरे की तमीज़ सिखा दी थी। मेरे पापा ने मुझे कहा कि यह चीज़ तुम रख लो, लेकिन अगर आगे से इस तरह तुमने झूठ बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तो तुम्हें समझा रहा हूँ, नहीं तो फिर तो मेरा गुस्सा भी देखोगी। पापा की बात सुनकर मैं सहम गई थी। कुछ समय के बाद दीदी की बेटी नेहा की मंगनी हो गई थी और मंगनी वाले दिन हम लोग वहाँ पर गए थे। दिखावे के लिए मम्मी पापा भी गए थे। वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने अपनी कजन से कहा कि हर रात को यहीं पर रुक जाते हैं। उसने कहा कि हाँ ठीक है। उसकी कुछ और रिश्तेदारी भी आई थी, कहने लगी कि हम सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे। जब मैंने अपनी मम्मी से यह बात कही कि मुझे रात को यहीं पर रुकना है, तो उन्होंने फौरन मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा मम्मी मैं 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगी, लेकिन मेरे पापा और मेरी मम्मी बिल्कुल नहीं माने। उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, जितना तुम्हें कहा गया उतना ही करो। मैं तो मम्मी पापा की नफ़रत से तंग आ गई थी। दीदी से इतनी नफ़रत क्यों करते थे? जब मम्मी पापा किसी तरह नहीं माने तो उनके साथ घर वापस आ गई। 2-4 दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन दीदी हमारे घर आए। इस बार वह मेरे लिए बहुत ही अच्छी ड्रेस लेकर आई थी। मेरी मम्मी ने कहा यह किस खुशी में दे रही हो? तो दीदी कहने लगी मैं बाजार गई थी, नेहा के लिए भी ऐसी ही ड्रेस ली तो रुचि के लिए भी ले ली। मेरी मम्मी ने कहा कि मेरी बेटी पर ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी दीदी कहने लगी कि बेटी तो बहुत ही प्यारी होती हैं, फिर वह चाहे आपकी हो या मेरी बेटी। बेटियों की खुशी के लिए माँ बाप अपने आप को बेचकर भी उनकी खुशी को पूरा करते हैं। दीदी के बोलने पर मम्मी गुस्से से बोली हाँ यह तो तुम लोगों से सीखना चाहिए कि खुद को बेचकर कैसे शौक पूरे किए जाते हैं। मम्मी की इस बात पर दीदी के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम से उड़ गई थी। मम्मी ने बहुत ही अजीब अंदाज से यह बात कही थी। मुझे समझ में नहीं आई थी कि मेरी मम्मी ने दीदी को इतना बड़ा ताना क्यों दिया था। इस बात पर दीदी ने कोई जवाब नहीं दिया और कहा रुचि अब मैं चलती हूँ, तुम यह ड्रेस जरूर पहनना। कुछ दिन के बाद मैं अपनी बेटी के ससुराल वालों की दावत कर रही हूँ, उस दिन तुम लोगों को भी आना है। तुम भी आना रुचि, और यही ड्रेस पहनकर अच्छे से तैयार होकर आना। मेरी माँ ने फिर गुस्से से कहा क्यों यह अच्छे से तैयार होकर आएगी? तुम अपनी बेटी को अच्छे से तैयार करना। मेरी दीदी की हर बात से समस्या होती थी। आखिरकार मेरी दीदी की आंखों में आंसू आ ही गए और मैं खुद भी हैरान रह गई। वह अपने आंसू छुपाते हुए वहां से चली गई थी। जब कोई रोता है तो सामने वाले को पता चल ही जाता है। यह अलग बात है कि कुछ लोग जानबूझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन मुझे अपनी दीदी का दुख महसूस हो गया था। उनकी आंखों में चमकते हुए आंसू मैं देख लिए थे। ये अजीब बात थी कि जितनी नफरत मेरी माँ को मेरी दीदी से थी, उतनी ही मुझे अपनी दीदी से मोहब्बत थी और उतनी ही मोहब्बत दीदी भी मुझसे करती थी। लेकिन यह बात मुझे हैरान करती थी कि आखिर मेरी मम्मी पापा दीदी से इतनी नफरत करते क्यों हैं?
वह तो इस घर की बड़ी बेटी है, वह तो सबसे ज़्यादा लाडली होनी चाहिए थी। रात को फिर मम्मी पापा आपस में कोई बात डिस्कस कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद पापा ने दीदी को कॉल लगा दी। मेरे पापा उनसे कह रहे थे कि देखो मेघा, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, मेरी बेटी के साथ यह सब कुछ मत करो। वह बहुत मासूम है, उसे तुम्हारी असलियत नहीं पता है। वह तुमसे मोहब्बत करती है, उसकी मोहब्बत का नाजायज फ़ायदा मत उठाओ। अगर उसे तुम्हारी हकीकत का पता चलेगा तो उसका दिल टूट जाएगा, तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? पापा की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई थी, आखिर पापा इस तरह की बात क्यों कर रहे थे? मेरी दीदी आखिर मेरे साथ क्या कर रही थी? मेरे पापा ने आगे कहा कि आगे से तुम खुद ही उससे दूर रहना, अभी उसको सारी कहानी का पता नहीं है। लेकिन तुम तो सारी बात जानती हो, वह हमसे जिद करती है, हमें तन करती है, तो उसे हम तुम्हारे घर भेजना पड़ता है, लेकिन उसका तुम्हारे घर आना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो मेघा, आज मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, नहीं तो उसके बाद मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। मुझे अपने पापा की बात समझ में नहीं आई कि पापा ने आखिर दीदी को यह धमकी क्यों दी थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे बारे में किसी और से पूछना चाहिए, आखिर दीदी से नफरत के पीछे कौन सी वजह थी। लेकिन मैं सोच में पड़ गई कि मुझे कौन बताएगा। तभी मुझे अपनी एक कजिन की याद आई, वह दीदी के साथ ही कॉलेज में पढ़ा करती थी। मेरी कजिन और मेरी दीदी ही आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन अब मेरी एक कजिन भी मेरी दीदी से ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रखती थी, लेकिन उनकी पहले बहुत अच्छी दोस्ती थी और मुझे विश्वास था कि मेरी कजिन को मेरे दीदी के बारे में सब कुछ पता होगा और वही मुझे सब कुछ बता सकती थी कि मेरी दीदी को सारे खानदान में इतना बुरा क्यों समझा जाता है। एक दिन उसके घर चली गई और उसे सारी बात पूछने लगी तो दीदी के बारे में मुझे ऐसी बात पता चली कि मेरे शरीर से जान ही निकल गई थी। मैं बहुत देर तक सदमे में बैठी रही, फिर मैं बिना कुछ कहे वहाँ से वापस चली आई। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने सोचा जो कुछ हुआ उसमें दीदी का कोई दोष नहीं था, फिर भला दीदी को सजा क्यों दी जाए? मैं अपनी दीदी से पहले भी मोहब्बत करती थी और अभी मेरी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई थी और मैं अपनी दीदी के घर चली आई। जब पापा ने मुझे सख्ती से मना कर रखा था, जिस दिन मेरे पापा ने उनको फ़ोन पर मना किया था, वह मुझसे कोई बात नहीं करती थी। उन्होंने मेरे साथ सारे संबंध खत्म कर दिए थे। जब मैं उनके घर में दाखिल हुई तो शाम का समय था, पापा मुझे जाने से मना करते थे, लेकिन मैंने ही जिद कर रखी थी कि मैं अपने दीदी को अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी दीदी के साथ रहूंगी और उनका दुख बांटूंगी। जब मैं दीदी के घर पहुंची तो दीदी मुझे देखकर हैरान परेशान थी। मैंने दीदी से कहा, दीदी आप मेरे आने में खुश नहीं हो? दीदी कहने लगी कि पापा ने मना किया था। मैंने कहा, मुझे पता है, इसलिए मैं आपसे मिलने आई हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छी बेटियाँ बाप के साथ जिद नहीं लगाती। मैंने कहा कि इस टॉपिक पर तो मैं ज़रूर जाऊँगी और अभी यहाँ से नहीं जाऊँगी। मैं भी आराम से सोफे पर पैर बांध कर बैठ गई। नेहा भी हैरान हो रही थी। उस दिन दीदी ने खीर बनाई थी। उन्होंने कहा, रुचि खीर खा लो फिर घर चली जाना, मम्मी पापा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर तुम घर नहीं गई तो तुम पर तो गुस्सा होंगे ही होंगे, वह मुझे भी बहुत ही बुरी बात सुनाएंगे। मैंने दीदी से कहा कि मैं खीर तो ज़रूर खाऊंगी, लेकिन यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। दीदी ने मेरे जिद के आगे हथियार डाल दिया और मुझसे यह कहने लगी, अच्छा बाबा मत जाना, पहले लो खीर तो खा लो, अब तुमसे जिद कौन लगाए। दीदी ने मुझे खीर दी और जब मैंने खीर खाई तो ना जाने क्यों मुझे अजीब सी आ रही थी। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और फिर ऐसा लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। और फिर अगले ही पल वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे होश उड़ गए, फिर मैं बेहोश हो चुकी थी। पता ही नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन मेरी आंख घर में हुए बहुत ही ज़्यादा शोर शराबे से खुली तो मेरे पापा, मेरे चाचा, खानदान और मोहल्ले के ना जाने कितने लोग दीदी के घर में मौजूद थे। उन्होंने शोर मचा रखा था कि मेरी दीदी हर किसी को विश्वास दिला रही थी। बाहर पुलिस भी आई थी, जिसका मेरे पापा बयान दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है।
मैं बहुत हैरान थी। मुझे याद था कि खीर खाकर बहुत ही सुकून से सो गई थी। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं हुआ था। मेरी दीदी पर लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे। जब मैंने अपने पापा के मुंह से यह शब्द सुने कि तुमने मेरी बेटी को जानबूझकर बेहोश किया है, क्योंकि ऐसा करके तो मेरी बेटी को किसी के हाथ में बेच देना चाहती थी। पापा की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। दीदी रोते हुए कहने लगी थी, पापा आप गलत समझ रहे हैं, रुचि तो मेरी बेटी जैसी है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं यह काम सपने में भी नहीं सोच सकती। पता नहीं रुचि क्यों बेहोश हो गई थी, हालांकि वही फिर हम सब ने भी खीर खाई थी। रुचि जब सो गई तो मैं अभी बर्तन सेट करके किचन में रख रही थी कि मेरे घर में कुछ चोर घुस आए थे। वह लोग डाकू थे और घर से सोना कीमती चीज चोरी करना चाहते थे। दीदी बताने लगी कि मैंने रुचि और नेहा को उन लोगों से बचाने के लिए कमरे में बंद कर दिया और उन लोगों को अपना सारा सोना और कीमती चीज देकर उन्हें घर से भेज दिया। इसी सिलसिले में पुलिस भी आठ दर्द थी। वह लोग पकड़े गए थे और वह लोग भी यही कहानी सुना रहे थे और दीदी भी यही सब कुछ कह रही थी, लेकिन पता नहीं फिर भी कोई दीदी की बात पर विश्वास नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी दीदी का विश्वास टूट चुका था। मेरी दीदी के साथ जो कुछ घटित हुआ था वह बहुत ही भयानक था। कोई भी दीदी पर विश्वास नहीं करना चाहता था। दरअसल जब दीदी की शादी हुई उस समय दीदी बहुत ही कम उम्र थी। मेरे दादा ने दीदी की शादी बहुत ही कम उम्र में करवा दी थी, लेकिन जिस आदमी के साथ दीदी की शादी हुई थी वह बहुत ही बुरा इंसान था। उसका संबंध ऐसे लोगों से था जो बुरे काम करते थे। शादी के बाद से दीदी चुप चुप रहने लगी थी, किसी से कोई बात नहीं करती थी। ऐसा लगता था कि दीदी किसी को कुछ बताना चाहते हैं लेकिन फिर बता नहीं पाती। फिर वह कुछ बीमार भी रहने लगी थी। दो बार दीदी प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन दोनों ही बार दीदी का बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सका। सब लोग कहते हैं कि दीदी जानबूझकर मां बनना नहीं चाहती, इसलिए वह ऐसा करते हैं, लेकिन दीदी सबसे कहती थी कि मैं जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करती, बल्कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा हो जाता है। लेकिन जब लोग पूछते आखिर तुम्हारे साथ क्या मसला है तो दीदी किसी को कुछ बात नहीं बता पाती थी। और फिर दीदी का पति का एक दिन एक्सीडेंट में इस दुनिया से चला गया और तब दीदी ने सबको हकीकत बताई थी। उनके पति उनके गलत काम करवाता था। उनके घर में तरह तरह के लोग आया करते थे और यह काम दीदी का पति अपनी मौजूदगी में करवाया करता था। वह अपने बिजनेस पार्टनर को खुश करने के लिए और अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुँचाने के लिए दीदी का इस्तेमाल कर रहा था। दीदी उस समय बहुत ही कम उम्र थी और उनसे दीदी को डरा धमका कर रखा था कि किसी को भी यह बात मत बताना। और जब दीदी ने अपने पति के मरने के बाद ये हकीकत बताई थी तो लोगों ने यही कहा था कि यह बेकार में अपने मरे हुए पति का इंजाम लगा रही है, बल्कि यह काम वो खुद ही अपनी मर्जी से करती थी। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए अपने मरे हुए पति पर इल्ज़ाम लगाते इसे शर्म नहीं आती। जबकि दीदी रो रो कर लोगों को विश्वास दिलाती रही कि मैं सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं करती थी। मेरी उसी कजिन ने मुझे यह सारी बात बताई थी। उसी ने मुझे बताया था कि तुम्हारी दीदी बेकसूर है, मगर तुम्हारा माता पिता के साथ साथ खानदान और मोहल्ले के भी लोग मेघा को अच्छा नहीं समझते, सबसे बुरी औरत कहते हैं और बद किरदार और समझते थे। जो प्रेगनेंसी में मेघा को खबर होती तो वह बच्चे मेघा के पति के होते ही नहीं थे, इसीलिए मजबूरी में मेघा को वह सब कुछ करना पड़ता था। वह किसी दूसरे के बच्चे को अपने पेट में पालना नहीं चाहती थी। मुझ पर बहुत ही जुल्म हुए हैं, उसने बहुत ही सहन किया है। उसकी बहुत ही बुरे इंसान से शादी हो गई थी, जिसे खुद ही अपनी पत्नी की इज्जत का नीलामी करना शुरू कर दिया था। हर रात मेघा के ऊपर कयामत गुजरती थी। हर रात वो एक नए आदमी के सामने परोसी जाती थी। जब मेघा की शादी हुई थी तो वह सिर्फ 14 साल की थी और 14 साल की लड़की के दिमाग में कोई ऐसी बात आ ही नहीं सकती। वह चुपचाप अपने पति के डराने से डर जाती थी और सारा जुल्म सहन करती रहती थी। और जब उसका पति इस दुनिया से चला गया तो उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और टीचर बनी। उन्होंने ना जाने कितनी गरीबी मजबूरन की सहायता की। बूढ़े गरीब
लोगों के लिए एक वृद्ध आश्रम भी बनवाया और हर समय भगवान से अपने ना किए गए गुनाहों की माफ़ी मांगती रहती है। और शायद भगवान ने उन्हें माफ़ कर दिया है, क्योंकि उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। जो कुछ भी हुआ था उनसे ज़बरदस्ती करवाया गया था। भगवान तो माफ़ कर देता है, लेकिन इंसान माफ़ नहीं करते। दीदी को भी भगवान ने तो माफ़ कर दिया था, लेकिन इंसानों ने माफ़ नहीं किया था। वह उन्हें अभी कसूरवार ठहराते हैं, उन्हें सजा देते थे। मेरे मम्मी पापा और सब लोगों का मानना था कि अब भी दीदी इसी तरह का काम करते हैं और उनके घर में अभी लोग आते हैं, इसलिए मेरी माँ उनके घर जाने नहीं देना चाहती थी और इसीलिए दीदी का दिया हुआ सम्मान मम्मी नहीं देती थी। सारे खानदान वाले ही उन्हें बुरा समझते थे, लेकिन मुझे विश्वास था कि दीदी बुरी नहीं थी। अगर दीदी बुरी होती तो भगवान उन पर अपनी कृपा दृष्टि नहीं बनाए रखता। दीदी के पास आज भगवान का दिया सब कुछ है, वह बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रही है। उनको भगवान ने इतना दिया है कि वह दूसरों का को दिल खोल कर मदद करती। आज भी जो चोर उनके पैसे लूट कर ले गए थे वो उनकी मेहनत की कमाई थी, जो पुलिस के जरिए उन्हें मिल भी गई थी। लेकिन सारे लोग यही समझ रहे थे कि वह लोग दीदी के द्वारा बुलाए गए लोग थे। वह डाकू नहीं बल्कि खरीदार थे। दीदी रो रही थी और रो रो कर कह रही थी कि मैं तो रुचि और नेहा की इज्जत बचाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी निकाल कर उन लोगों के सामने रख दी थी और उन दोनों की इज्जत बचाई थी। जो खीर मैंने खाई थी और जिसे खाकर मैं सो गई थी, उसके बारे में चेक हुआ तो बाद में डॉक्टर ने बताया कि मेरा ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत ज़्यादा हो गया था। ब्लड प्रेशर की समस्या मुझे पहले से ही थी, यह बात मेरे सारे खानदान वालों को पता था, लेकिन फिर भी कोई समझने के लिए तैयार नहीं था। पुलिस ने जब सारी सच्चाई बताई और वह चोर भी जब पकड़े गए और उन्हें भी अपनी चोरी की बात मान ली, तो फिर सब खानदान वालों के मुँह बंद हो गए थे। मम्मी पापा मुझे घर में लाए थे और मुझसे कहा था, क्या तुम दोबारा वहाँ नहीं जाओगी? मैंने आते समय आंखों में आंसू भर कर दीदी की तरफ देखा था और सोच में पड़ गई थी, यह समाज औरत को माफ़ क्यों नहीं करता? आदमी चाहे कितना भी बड़ा जुल्म करे उसे माफ़ कर देता है, लेकिन औरत से अगर अनजाने में भी कोई गलती हो जाती है तो उसको उतनी बड़ी सज़ा क्यों दी जाती है? और दीदी ने तो कुछ भी नहीं किया था, उन्होंने तो सिर्फ जुल्म बर्दाश्त किया था। कोई और वह गुनहगार बन गई थी, जबकि दीदी का पति जब इस दुनिया से गया था तो उन्होंने उसकी दौलत का एक पैसा भी अपने पास में ही नहीं रखा था। सब अनाथ आश्रम को दे दिया था और खुद के बलबूते पर सारा सब कुछ इकट्ठा किया था। मुझे विश्वास है कि मेरी दीदी एक बहुत ही अच्छी इंसान है, तभी तो आज तक भगवान ने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया। उनकी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे खानदान में हुई। इतने अच्छे खानदान में आज तक किसी हमारे खानदान की किसी भी लड़की की शादी नहीं हुई थी। कभी कभी इंसान बुरा नहीं होता, उसकी हालत बुरे होते हैं। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे और एक दिन मेरे पापा अचानक से बहुत बीमार हो गए। पापा की सारी जमा पूंजी उन पर लग गई थी, मगर उन्हें आराम ना आया। खानदान वालों ने भी उन्हें अकेला छोड़ दिया था। इस मुश्किल समय में दीदी ने हमारा बहुत साथ दिया था। पापा का एक बहुत ही अच्छे महंगे अस्पताल में इलाज करवाया। एक महीने के इलाज के बाद अब पापा बिल्कुल ठीक हो गए थे। अब पापा दिल ही दिल में दीदी से बहुत शर्मिंदा थे कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ बहुत गलत किया। लोगों की बातों में आकर अपनी ही बेटी पर विश्वास नहीं किया। उसने तो इतने जुल्म सहे थे, उन्हें तो किसी अपने के साथ की ज़रूरत थी जो उसके जख्मों पर मरहम लगाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो उनके जख्मों को और हरा कर दिया था, लेकिन दीदी ने अब तक उन्हें इस बात का ताना नहीं दिया था। वह कहती कि कोई बात नहीं, कोई किसी के बारे में क्या सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस अंत भला तो सब भला होता है। अब हमारा घर बहुत ही खुशहाल है, जहाँ पर मेरी दीदी का आना जाना होता है हम भी उनके घर जाते हैं और उनका बहुत ख्याल रखते हैं। खानदान वाले भी अब भी उनकी बात करते हैं। मैं हमेशा उनके लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि अब उनकी ज़िंदगी में कोई दुख ना आए, भगवान उन्हें हमेशा खुश रखें। और जिन लोगों के दिल मेरी दीदी के तरफ से मैले हो गए हैं, वह फिर से साफ़ हो जाएँ।
तो दोस्तों कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कहानी आप लोगों को अगर अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को अच्छे से समझने के लिए कहानी को लास्ट तक ज़रूर देखें। धन्यवाद।